हैप्पी दिवाली करो। हैप्पी दिवाली। विवान को माला अच्छा नहीं लगता है पर हैप्पी दिवाली। मस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और आज क्या है, दिवाली का दिन। दिवाली के दिन की शुरुआत शाम से ही हो रही है क्योंकि मैं फूल लेने के लिए आई हूँ बाहर। सुबह से थोड़ा मैं वैसे भी थोड़ा बिजी थी तो मेरे को समय ही नहीं लगा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ आपको ख़राब लग रही होगी। तो मैं ले रही हूँ फूल। एक्चुअली मैं हर बार रंगोली जो है मैक्सिमम, मतलब मैं फूलों से ही रंगोली बनाती हूँ। मुझे फूलों से रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिए हैं, 1 किलो फूल दिए उसने मुझे 50 रुपए के, 50 रुपए किलो उसने फूल दिए मुझे। तो मैंने ज्यादा बार्गेनिंग भी नहीं की। बेबी है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली एवरीवन। थोड़ा सा वेट करो यहाँ साइड में। दिवाली पे बहुत कुछ खरीदते हैं। मैं प्याज खरीद रही हूँ, टमाटर खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे अभी हम लोग गाड़ी में आए और गाड़ी में बहुत रेयर आते हैं, फिर मुझे ले जाना दिक्कत होती है, इसलिए मैं प्याज और टमाटर ये सब कुछ खरीद के गाड़ी में हम लोग चल रहे हैं। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, ताकि फिर क्या होता है ना, फिर बाद में इनको लेके आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे हम घर से बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, पर पहले इतना लग नहीं थी बारिश होगी, बट बहुत ज़्यादा बाद में स्टार्ट होगी। देन उसके बाद म्यूज़िक स्टार्ट हो गया और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई। और दिवाली पे ना, हर साल ही मैंने देखा है बारिश होती ही होती है, पता नहीं क्यों, बट दिवाली का दिन ना बहुत 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 बहुत, ये दिवाली मेरी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हम लोग अपने मतलब दोस्तों के साथ मनाने वाले हैं जो मतलब हमारे आसपास रहते हैं, और पहले के दोस्तों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब पहले बेल्लारी वाले दोस्तों से भी अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। और हम लोग बैठे हुए हैं और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। विवान इतना खुश हो जाता है गाड़ी में बैठ के अपने पापा के साथ, पूछो मत, वो वैसे ही बहुत खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों उसको इतनी खुशी होती है ना गाड़ी में बैठ के। ऊपर से फिर बोलता है घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, उसको घर जाना अच्छा नहीं लगता, उसको बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी मतलब मुझे ना अकेले ऐसे बाहर आना इतना अच्छा नहीं लगता जितना हस्बैंड के साथ अच्छा लगता है। और बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि मुझे भी रंगोली बनानी है, घर में थोड़ा बहुत कुछ काम भी करना है, और बारिश और भी तेज़ हो गई थी। मतलब हम थोड़ी थोड़ी, जैसे पीछे बारिश तेज़ थी फिर स्लो थी, और यहाँ पे आए तो और ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो मैंने इनको ये बोला कि काम करते हैं, हम थोड़ा गाड़ी साइड में लगा देते हैं क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे पेड़ वेड़ गिरने का भी डर होता है बहुत। हमारे हिमाचल की तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले पेड़ नहीं होते हैं, वो बारिश होती है तो गिरते ही गिरते हैं। बट इन्होंने कहा चलो आगे चलते हैं, आगे चल के वहाँ नीचे रुकेंगे घर के पास। हम लोग घर के पास पहुँचे, ये मेरा घर है और नीचे ही हम लोग खड़े क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। ये कब मैं उतरी तो मैं पक्का भीग जाऊँगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं भी भीगूँ क्योंकि मैंने साड़ी पहनी। विवान को जैसे ही मैं बोल रही कि हम लोग जा रहे उतर रहे, तो रोना स्टार्ट कर रहा है। उसको ना घर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। ये देखो कितनी बड़ी भयानक बारिश हो, मतलब 1 सेकेंड के लिए कोई खड़ा हो गया, क्रॉस किया तो पक्का मतलब भीग जाऊँगी मैं। जो गाड़ी है ना, बस गाड़ी के अंदर जाना है, इस ये जो गाड़ी के सामने से अंदर जाना है, इतना सा डिस्टेंस में ही जाना है, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और घर आते ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया माला, और मैंने माला भी नहीं बनाई थी। और मैंने ये आम के पत्ते हस्बैंड के एक फ्रेंड मुझे दे के गए थे, और ये आम के पत्ते धो के मैंने थोड़े से रखे, मतलब धोने के बाद उसका पानी निकाल के अच्छे से रखे हुए थे, जिसकी मैं अब मैं माला बनाने वाली हूँ। और आम के पत्ते बहुत 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 शुभ होते हैं। रोना बंद करो। ये देखो विवान माला बन गई, देखो माला माला। विवान को माला अच्छा नहीं लगता है पर बोल अच्छी माला बन गई यार। एक दो फूल लगा देती हूँ मैं इसमें एक्स्ट्रा। अच्छा रोना बंद करो, फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ बहुत अच्छी आपके लिए स्पेशल है। सरप्राइज पसंद है। भूख तो नहीं लगी आपको? भूख भी लग सकती है ना। चलो ये लगाओ बाहर, बांध दो अच्छे से। अच्छा लग रहा है, नीचे भी नीचे लगा हुआ ना, इसलिए मैंने वहीं पे लगाया। बहुत कोशिश की अच्छी बनाने की,
बट एक एक कलर के फूल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे यार, अब यही बनेगी। बाहर बनाते थोड़ा सा आराम से, सफाई कर रहा। मकर मकर सफाई नहीं करते हैं। करके रहे हो आप अंदर? प्लीज मेरी रंगोली खराब मत करना। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ही कलर के फूल मिले, उसमें मैंने ऐसे बना दी हुई है। प्लीज विमान मेरी रंगोली खराब मत करना वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। उल्टा तो नहीं दिख रहा आराम में, उल्टा दिख आपको इसमें शायद उल्टा दिख रहा है, वैसे सीधा है। और मैं फूलों वाली रंगोली हर साल ऐसे बनाती हूँ, पता है क्यों बनाती हूँ? मुझे ना अच्छी लगती है। कलर वाली जो होती है ना, वो कलर वो सारा ही ख़राब करती है। फिर जब वो मतलब उसको जब साफ़ करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। पर फूलों वाली जब जिसे भगवान आए थे तो कहते कि फूलों के साथ इनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया था ना, तो मुझे रंगोली हमेशा इस तरह से बनाना, दिया लगाना उसके फूलों के बीच में। इस बार इतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि मुझे फूल ज़्यादा मिले नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मुझको एक जगह मैंने ले ली जब बारिश नहीं हो रही थी, आगे जब गए तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो इसके बाद मैं दिए लगा रही हूँ। दिए लगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है बाहर, ये भी बहुत ज़्यादा है, बट मैं इसको फिर एडजस्ट करके कैसे ना कैसे लगा ही दूँगी। और ये रही मेरी रंगोली इस तरफ, और मैंने सारे दिए ऐसे लगा दिए। पर बाहर आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके अलावा ना अरे परे सामने भी घर हैं, साइड में भी घर हैं। ये जो लाइन है इस तरफ से, मेरे को ना जगह नहीं मिल रही थी, इस टाइप की जगह नहीं थी, इस तरफ की जगह नहीं थी, बस इसी से मैंने दिए जलाए हैं। मैंने आम के पत्ते को काट के बनाया राम, और मैंने ओम भी बनाया आम के पत्ते को काट के। और मतलब इतना ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बना, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छा दिखे। और उसके बाद मैं थोड़े दिए को एडजस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा जाने को जगह हो जाए राम से। देखा दिए पीछे ना जले, ये रुको। चलो 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 चलो, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में। नीचे अभी आई जस्ट, और देखो पूरा धुआं धुआं, इतने मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ी नहीं होती है वैसे। विमान देखो, ओह माय गॉड, इतने सारे पटाखे लाए हो आप, बाप रे बाप। थोड़े से खा, इतने कुछ है यार, ये तो क्या है ये? विमान विमान और मेरे लिए निकालो इसको। भैया कहाँ है भैया? का वेट करेंगे कि फटाना स्टार्ट करेंगे? मोमबत्ती नहीं, एक लेके आए हैं, क्या बोलते हैं, माचिस लाए हैं ना। डेकोरेशन किया है यहाँ पे, आम के पत्ते हैं सारे। हैप्पी दिवाली, दूर से हैप्पी दिवाली। देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो जिन्हें मेरे गाइड है। यस गुड, दीदी
डर रहा है वो। अरे बाप, विवान कहाँ गया? आपके पीछे छुपा हुआ विवान। अच्छे से करो ना वो। हाँ हाँ लग गया लग गया लग गया। सही बात है। इसमें वो है क्या, अनार और है क्या? पीछे कितना पॉल्यूशन हो गया। जली जली है, अरे जला जला जला। नहीं जला नहीं जला नहीं जला नहीं जला। कितना हुआ है पहले? जा रहा जा रहा जा रहा होगा होगा क्या? अरे एक ही है। अरे ये बोला ना ऊपर जो इसको तुम लोग सुनते ही नहीं। हर बार एक इमेज रह रही है। ए साइड जा एक बार एक कर लिया। ए नशना लॉन्च लॉन्च देखते हैं नहीं जा रहा। You are excited? No. Hey, Babu, इधर। पीछे थोड़ा पीछे। लेके आना इसको, उठा के लेके आना पीछे। डर रहा है क्या? हाँ हाँ एक बार और। हाँ वो देखो ये क्या, दो बार तो हो गया। इससे भी बुरा था यार। भैया वगैरह घर आए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो चले गए, तो हम लोगों ने खाना खाया। तो ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और मैं खाना खा रही हूँ, साथ में हस्बैंड से बात कर रही हूँ, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।